तो हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हाई वेटेज के होते हैं और ऐसे कौन से हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी में एक स्ट्रैटेजी बना सकें कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। आइए एक टेबल से ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप सबसे फर्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज अवर फेवरेट टॉपिक जिसे हम जीओसी बोलते हैं। जीओसी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनका वेटेज हमेशा ही ज्यादा है। आप देख सकते हैं लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस 2022 में, 7 2023 में 5 क्वेश्चंस तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जितना रिग्रेस प्रैक्टिस कर सके, पॉसिबल हो तो आप जेई के भी जीओसी के टॉपिक्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप नेट और गेट के भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऑफकोर्स पूछे जा रहे हैं। एरोमेटिसिटी टॉपिक से वो ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ऑन एन एवरेज। स्टीरियोकेमिस्ट्री से बात करें तो फिर से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 और 5 क्वेश्चन, इनका भी वेटेज काफी हाई रह रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक सीयूईटी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2023 में थोड़ा सा कम किया गया था, लेकिन 2022 में भर भर के 7 सवाल पूछे गए हैं, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। इंटरमीडिएट और नेम रिएक्शन, ये भी एक कोर टॉपिक है, तो यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिएजेंट्स चैप्टर 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर इंटरमीडिएट नेम रिएक्शन ज्यादा वेटेज रख रहा है एज कंपेयर टू रिएजेंट्स। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से अब सवाल आने चालू हुए हैं और एनएमआर के ही बेसिक सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री को अगर क्लब कर दिया जाए तो हाँ, फिर आपको 5 और 2 मतलब कि ठीक ठाक वेटेज है, इस टॉपिक के भी आपको काम करना है। और फिर उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स टॉपिक होगा आपका, जिससे 1 क्वेश्चन पिछले साल आया। तो ये देखने को मिल रहा है कि काफी इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 2023 में। 2022 में कुछ टॉपिक्स बहुत डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन बाद में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करी गई है। जो टॉपिक्स मेरे हिसाब से सबसे हॉट टॉपिक होंगे वो होगा आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको फोकस करना है, वो होगा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक जिसमें आपको मेहनत करनी है, और एक आप रिएजेंट्स इंटरमीडिएट और ये नेम रिएक्शन वाले पोर्शन को काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाए और स्टीरियो को भी साथ में लपेटे मिले। ये मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर को कवर करते हैं, लेकिन आप पूरा ही सिलेबस करके जाए, इससे क्या होता है कि आपका मान लो कोई पोर्शन थोड़ा सा वीक रह गया तो दूसरे वाले पोर्शन का जो क्वेश्चन इजी आया है वो तो कर पाओगे। ठीक है, चलिए, आई होप इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको अब स्ट्रेटजी बनाने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।